पेट्रोल का खर्चा कौन देता होगा। झांसी हाईवे पे मैं रुका हूँ अभी और यहाँ से झांसी है 100 किलोमीटर अभी और झांसी मेरा रुकने का विचार नहीं है फिलहाल। ट्रक आ रहा है, आवाज आएगी, कोई ट्रक वाला उल्टा चल रहा है। झांसी से सीधे आगे को बढ़ूंगा सागर की ओर जो कि आगे जाता है, लेकिन पहले सागर जाने का प्लान है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुका, इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है फिर से या नहीं चेक किया, जो आपने देखा होगा अभी लीकेज नहीं हो रहा है फिलहाल, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। अब जो है राइडिंग गेयर्स पहनता हूं और इसके बाद सीधे बढ़ता हूं झांसी रोड में। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में एक जगह रुकूंगा कहीं भी पानी का ब्रेक के लिए, उसके बाद सीधे मैं झांसी में रुकूंगा। अब सफ़र जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है करीब से कम 11 बजे, वॉइस बहुत ज़्यादा है, तो 11 बजे से यदि सफ़र शुरू होगा तो 5 से 7 बजे तक मैं राइड करूँगा और 7 बजे के बाद राइड बंद कर दूँगा। तो जहाँ कहीं भी रुकने का होगा वहाँ रुक जाऊँगा। तो राइड में आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। तो झांसी जो है 17 किलोमीटर है और जो बच्चे यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं राइड के। तो यहाँ से झांसी है 17 किलोमीटर और मेरा जो डेस्टिनेशन है सागर का है और कोशिश करूँगा कि सीधे सागर निकलूँ, झांसी ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, लेकिन थोड़ी देर झांसी का जो सिटी है वो ज़रूर तुम्हें दिखाऊँगा के बाद सीधे अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ूँगा। तो सागर की यदि बात करें तो 350 से ऊपर किलोमीटर पड़ जाएगा, लेकिन अगर टाइम रहा तो सागर में थोड़ी देर रुकने के बाद मैं आगे को बढ़ूंगा। यदि सागर मुझे लेट हो गया तो उसके बाद मैं सागर में स्टे कर लूँगा। तो अभी जो है डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते में चलते चलते पता चलेगा कि कितना टाइम मुझे लगेगा। वैसे ज़्यादा मैं अभी तक ब्रेक नहीं ले रहा हूँ और ये कुछ ऐसा नज़ारा है इस रोड का, रोड काफ़ी प्यारी है। MP से मैं अब UP की ओर बढ़ रहा हूँ, तो UP क्रॉस होने के बाद फिर से मैं MP रोड पर जाऊँगा और सागर जो है वो MP में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में अभी मैं घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश की सड़कों में। तो वैसे देखा जाए तो हरियाणा की रोड से मध्य प्रदेश की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर बिना हेलमेट के आपको लोग मिलेंगे। तो सागर है यहाँ से 220 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। यदि आपको कानपुर जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना होगा और झांसी के लिए आपको सीधे स्टेट जाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी देखिए रेड लाइट का कोई प्रबंध नहीं है और कहीं से भी ये मुड़ रहे हैं। अब इस ट्रक वाले के सहारे मैं भी आगे को बढ़ लेता हूँ क्योंकि रेड लाइट का तो कोई प्रबंध है नहीं। जो सामने एक छोटी सी मार्केट आ रही है, इस मार्केट का नाम है सिमरधा। सिमरधा छोटे छोटे मार्केट जो हैं आपको बीच बीच में मिल जाएंगे। अभी तक जो है यदि मैकेनिक की आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो बीच बीच में आपको मैकेनिक ज़रूर मिल जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर होता है ना, ये लोग जो है हेलमेट पहन के नहीं निकलते। अच्छा, सागर को मुझे निकलना है यहाँ से राइट को, यहाँ से लूँगा राइट। तो उसमें 12 किलोमीटर आगे जाऊँगा तो मुझे झांसी भी मिल जाएगा
और ये सागर के लिए रोड भी मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने ये रोड पकड़ा है। अब जाके आगे अगर झांसी आता है वहाँ पर मैं अपना कैमरा ऑन करूँगा। सामने जो गंगा दिख रही है, नदी दिख रही है, वो है बेन नदी और ये है नागपुर और सागर के बीच में पड़ती है क्योंकि काफ़ी बड़ी नदी है। सामने पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं और मैंने अभी जो है अपनी बाइक यहाँ पे पार्क की है बिल्कुल इस पुल पे। तो यहाँ से मेरा नागपुर का सफ़र रहेगा अभी 110 किलोमीटर और, तो उस पार में गाँव है, बेन गंगा नदी आगे को जा रही है, ये सब गाँव हैं, खेत हैं चारों तरफ। तो यहाँ से मेरा जो सफ़र होगा आगे को कंटिन्यू रहेगा। नागपुर जाने के बाद देखते हैं आगे का प्लान, अभी तक डिसाइड नहीं किया नागपुर से के बाद कहाँ को जाना है, कौन सा रूट लेना है। तो फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अपने रूट की ओर, तो मिलते हैं आगे रोड पे। तो ये भाई है हरियाणा से, यहाँ पर रुके थे एयर जी, तो साथ में बात हुई कुछ देर, अब हम साथ साथ आगे को बढ़ेंगे। भाई साहब ने तो यही बैठे हुए हैं, बाकी बाइक तो जल्दी से खाना खाते हैं और पढ़ते हैं उसके बाद रूम पे।